मेरे पीछे आप ताज के जो मेन गेट है वो देख पा रहे हो। इसके ऊपर कुरान के फास्ट जो चैप्टर है वो खुदाई किया गया है और यहाँ से ताजमहल का फास्ट ऑप्टिकल इल्यूशन स्टार्ट होता है। ताज का फास्ट ऑप्टिकल इल्यूशन यही है, जब आप मेन गेट से अंदर की तरफ देखते हो तो ताज आपको बहुत बड़ा दिखाई देता है और आप जितना अंदर की तरफ जा रहे होते हैं उतना लगता है कि दूर जाता हो रहा है और छोटा होते जा रहा है। तो दिस इज़ द फास्ट ऑप्टिकल इल्यूशन ऑफ ताजमहल। गाइज वेलकम टू ताजमहल। ताजमहल विच मीन्स क्राउन ऑफ द पैलेसेस इज ए मार्बल मुसोलियम ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना एट आगरा। मुगल एम्पायर शाहजहां मेड ताजमहल इन द लविंग मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। ताजमहल इज वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। ताजमहल का सेकेंड ऑप्टिकल इल्यूशन है, ताजमहल के चारों तरफ जो चार मिनरेट है वो बाहर की तरफ हिले हुए हैं। वो इसीलिए क्योंकि अगर कभी भी यहाँ पे अर्थक्वेक आए तो मिनारेट गिर के मेन मुसोलियम को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए ऐसा बनाया गया था। पर वो ऐसे एंगल में बाहर की तरफ है कि देख के लगता है कि सारे वर्टिकल 90 डिग्री पे ही है। तो दिस इज़ द सेकेंड ऑप्टिकल इल्यूशन ऑफ ताजमहल। ताजमहल की वेस्ट साइड पे यहाँ पे एक मस्जिद है, यहाँ पे अभी भी नमाज अदा किया जाता है और हर फ्राइडे को ताजमहल विजिटर्स के लिए बंद रहता है, बस ये मस्जिद खुला रहता है और लोग यहाँ पे नमाज अदा करने आते हैं। दूर से देखने में ताजमहल स्क्वायर शेप का दिखता है पर पास आने में पता चलता है कि ये एक ऑक्टेगनल शेप बिल्डिंग है। और इसका एक रीज़न ये भी है, कुरान में कहा गया है कि जन्नत के 8 दरवाज़े होते हैं, तो इसीलिए ये ऑक्टेगनल है। ताजमहल की ईस्ट साइड पे यहाँ पे मेहमान खाना है, जहाँ पे मेहमान आके रहते थे। दिस डेकोरेटिव आर्ट इज कॉल्ड पित्रा द्वेरा और पिचनकारी। इट वॉज फर्स्ट अपियर्ड इन 16th सेंचुरी इन रोम। इन इटालियन
पित्रद्वारा मीन्स हार्ड स्टोन। पित्रद्वारा में मार्बल को खुदाई करके प्रेसियस और सेमी प्रेसियस स्टोन से डिज़ाइन बनाया जाता था, और ये ताजमहल और शाहजहां की बनाई हुई हर एक मॉन्यूमेंट में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। द ताजमहल इज सेट अराउंड ए 980 फीट मुगल गार्डन कॉल्ड चारबाग। ताजमहल इज ए लेजेंड ऑफ इटरनल लव ऑफ ए एम्परर हस्बैंड फॉर हिज फेवरेट क्वीन। इन द होल वर्ल्ड ताजमहल इज अ सिंबल ऑफ रोमांटिक लव। मुमताज महल वॉज डाइड ऑन 17 June 1631 वाइल गिविंग बर्थ देयर 14th चाइल्ड गौहरा बेगम। कहा जाता है कि उनकी लास्ट विश थी कि उनके कब्र के ऊपर एक बेहतरीन सा मुसोलियम हो। शाहजहां प्रॉमिस्ड हर दैट ही केप्ट हिज प्रॉमिस एंड मेड ताजमहल। ताजमहल वॉज कमीशन्ड इन 1631। कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड ऑन 1632। द मेन मुसोलियम वॉज बिल्ट ऑन 1643, और जो होल ताज कॉम्प्लेक्स है वो बन के तैयार हुआ था इन 1653। मतलब मेन मुसोलियम बनने में 12 साल लग गए थे और पूरा ताज कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होने में लग गए थे 22 ईयर्स। द मेन आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल वाज उस्ताद अहमद लाहौरी एंड 20,000 आर्किटेक्ट्स वर्क अंडर हिज गाइडेंस। उस्ताद अहमद लाहौरी आल्सो डिजाइंड दिल्ली लाल किला। ताजमहल ओपन्स 30 मिनट बिफोर सनराइज एंड क्लोजेस 30 मिनट बिफोर सनसेट।